हाय गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था चैप्टर 9 ऑफ बिजनेस स्टडीज फ्रॉम द बुक सुभाष डे ऑफ क्लास 12। तो अभी मैं डिस्कस करूंगी कुछ केस स्टडी। तो फर्स्ट केस स्टडी इज दी मनीषा कंज्यूमर गुड्स इज अ लीडिंग कंज्यूमर गुड चेन विद द नेटवर्क ऑफ 46 स्टोर्स प्राइमरी अक्रॉस दिल्ली मुंबई पुणे। इट वॉज स्टार्टेड बाई मनीषा गुप्ता इन 1987। इट हैज़ अ लार्ज मार्केट शेयर इन दी मुंबई दिल्ली एंड पुणे। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इट हैज़ डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन केरला। इट हैज़ डिसाइडेड ऑन वट न्यू रिसोर्सेज इट विल इन्वेस्ट इन सो दैट इट इज एबल टू अर्न द हाइएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स। वंस द कंपनी बिलीव दैट इट विल बी एबल टू जनरेट हायर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इट ऑल्सो हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ दिस प्रोजेक्ट विल गेट फंडेड। द फाइनेंस मैनेजर अतुल वॉज टोल्ड टू हैव अ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन वेरियस सोर्सेज ऑफ द गेटिंग द प्रोजेक्ट फंडेड सो एज टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। अतुल आफ्टर असेसिंग द कैश फ्लो पोजिशन ऑफ अ कंपनी evaluated the cost of different sources of the finance and compared the risk associated with each source as well as the cost of raising fund. So this is the whole case study. The two questions were asked in the case study is the state the two financial decisions discussed in the above situation. The first is the investment decision. जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड इट हैज़ डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। न्यू ब्रांच किस में आता है? हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है, जो कि क्या कैपिटल बजटिंग और लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ठीक है। और सेकंड डिसीजन जो यहाँ पे वो क्या देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहा है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये किसका पार्ट है? ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। तो दो इसके अंदर ये फाइनेंशियल डिसीजन आ गए। एंड द सेकंड इज द एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग ईच ऑफ द डिसीजन दैट स्टिल बी कंसीडर्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर। तो ये मैंने आपको अपनी जो वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको पूरा रीड करा रखा उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है द मीनिंग एंड द फैक्टर्स। तो आप उसके लिए आप वहाँ से आप देखिए। थैंक यू।